हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माया नंदी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सर्दियों के सीजन में अगर आपको भी बहुत ही ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ज्वाइंट पेन हो गया या फिर जोड़ में जो है गांठें पड़ जाती है, या फिर जो है चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं या कट कट की आवाज़ें आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको चर्बी है, ज़्यादा मोटापा है, इस समय ठंडी की वजह से कमर में भी बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। खासकर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कमर पेन होता है जो कि मतलब कि एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठे रहते हैं। जैसे कि नौजवान लड़कों में भी होता है, नौजवान महिलाओं में भी होता है, क्योंकि अगर एक ही जगह बैठ के कोई घर का काम करें या फिर बाहर ऑफिस का काम करें या फिर खेतों में काम करें तो ऐसा नॉर्मली होता है, लेकिन जब ठंडी का सीज़न आ जाता है ना तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएँगे जिसके वजह से आप इसे मसाज करेंगे तो आपके जो दर्द है धीरे धीरे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी परेशानी के। बहुत ही सिंपल तरीका, लेकिन उससे पहले ये तरीका मैं बता देती हूँ। इस तरीके से आप अपने घर में बड़े नौजवान बूढ़े सभी लोग आसानी से मसाज कर सकते हैं। इसी जो है आपका ज्वाइंट पेन, कमर का दर्द हो, चाहे गांठ की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, चाहे बीपी का प्रॉब्लम, क्योंकि सर्दियों के सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी समस्याओं को देखा जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या लेना है और इस तेल को किस तरीके से तैयार करना है। तो सिंपल सा काम ये करना है कि आपको लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल में आप सौंठ ले लें। सौंठ भी देखेंगे तो अदरक की तरह मिलेगा, लेकिन आप अदरक ही मत डाल दीजिएगा। अदरक और सौंठ जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप जो है सौंठ को मार्केट से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। तो आप सौंठ ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस जो मतलब कि जो सरसों का तेल है उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार उस सरसों के तेल में सौंठ को अच्छे से पका लें, ठीक है। पकाने के बाद जब तेल एकदम ठंडा हो जाए उसे छान कर किसी अच्छे से बाटल में भर के रख देगा। और एक बात, हाँ, अपनी पूरी बॉडी में मसाज करने से पहले मैं आपको मसाज करने का तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से मसाज करें। मसाज करने से पहले जो नाभि होता है, नाभि में तेल जरूर डालें। अगर नाभि में तेल डाल देते हैं, अगर पूरे बॉडी में मसाज नहीं भी करते हैं, अगर एक दिन दो दिन गैप कर देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन नाभि में तेल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाभि एक ऐसा हमारे शरीर का हिस्सा होता है कि जैसे कि पेड़ में हम पानी देते हैं तो पेड़ पूरा हरा भरा हो जाता है, सुंदर से लहलहाने लगता है ना, तो उसी तरीके से अगर आप अपने नाभि में रोज़ाना कंटिन्यू अगर इस तेल को डालने लगे तो आपके शरीर की हर रंगत ही पूरा चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। आपके चेहरे की खूबसूरती, आपके बालों की रंगत बदल जाएगी। अगर जैसे कि हम आपको बता दें, चेहरे पे चाहे पिंपल, दाग, धब्बे, झुइयाँ हो, चाहे कमजोरी हो, ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं करता हो, खराब कोलेस्ट्रॉल हो, कई सारी बीमारियों के लिए नाभि में तेल डालने के कई सारे फायदे बताए गए हैं। इसको आयुर्वेद में भी बताया गया है, इसके शास्त्रों में भी बताया गया, हर जगह बताया गया कि नाभि में तेल डालने से कई सारे फायदे होते हैं। तो मसाज करने से पहले आप अपने नाभि में तेल, इस तेल को नाभि में डालने के बाद आप अपने पूरे बॉडी में भी मसाज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको ज्वाइंट पेन होता है या फिर अपने पूरे बॉडी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये छोटा सा टिप्स आपको पसंद आया हो और आपके काम लाग हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ठंडी के सीज़न में सभी लोग अपने जो उनकी ज्वाइंट पेन है या जो हाथ पैरों में सूजन हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उनसे बच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, एंजॉय करते रहें गाइस। लव यू, धन्यवाद।